आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि मैं जो बैगन खेती करता हूँ उसमें वाइट फ्लाई को कैसे कंट्रोल करता हूँ। देखिए ये होता है येलो ट्रैप बोर्ड होता है जो जिसके जरिए से मक्खी को कंट्रोल होता है, क्योंकि ये लाइट रहता है और लाइट कलर रहता है ताकि जो वाइट फ्लाई आता है बैगन में मक्खी लगता है, मक्खी का अंडा से कीड़ा जो शुरू होता है, फूड बोरर होता है, लीफ बोरर होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए पहले मक्खी को मारना पड़ेगा। इसीलिए हम खेती में पहले ऐसे वाला येलो ट्रैप लगाते हैं, इसमें लाठा रहता है, ये लाठा रहता है और देखिए इसका आगे पीछे दोनों तरफ वाइट फ्लाई लगा है। इसी तरह बैगन में हम लोग चारों तरफ ये लगा के रखे हैं और ये आपका मक्खी को कंट्रोल करता है। इसमें आपका लो कॉस्ट में आप मक्खी को कंट्रोल कर सकते हैं और आप जितना बार केमिकल डालेंगे तो उतना बार आपको वाइट फ्लाई मक्खी के लिए तो डालना ही पड़ता है और इसलिए ज़्यादा खर्चा भी होता है। तो हम सोचे कि ये येलो ट्रैप बोर्ड लगाने से जल्दी और जितना लाइट रहता है तो उसमें मक्खी आकर चिपक जाता है ताकि मक्खी को कंट्रोल करने लिए थोड़ा आसान होता है। और ये करेले में भी हम लगाए हैं और बैगन में भी करेले, हमारे ये जो बगीचा है इसमें हम लोग लगाए ने सब, और इसमें और भी इसमें लोग तो बहुत बार ट्राई कर केमिकल डाल चुके हैं लेकिन अभी हम ट्रैप लगा के देखे हैं। दो दिन में देखिए कितना लगा है वाइट फ्लाई, ट्रैप पास आकर दिखा दीजिए सर, देखिए कितना वाइट फ्लाई लगा है। ओ बहुत, ये गोभी में भी लगा सकते हैं आप, जो भी जितना भी क्रॉप है सब क्रॉप में आप लगा सकते हैं उसको। और ये बैगन तो बहुत ये हुआ है लेकिन अभी और एक आया है जो उसे कांडविंदा बोलते हैं, वो जो बैगन का गच वो जो नीचे से कीड़ा काटता है और वो गच मर जाता है, उसके ज़रिए से भी बहुत लॉस हो जाता है। इसीलिए भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, उसको केमिकल दिए हैं अभी लेकिन दो गच मरा था मेरा, उसको कंट्रोल करा हूँ। मैं आप लोग को बताऊँगा कि मैं क्या डाला था, मैं और एक वीडियो करके मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या क्या केमिकल डाला था, सपोज पेस्टिसाइड क्या डाला था जो घस को मतलब मैं मर जाता था उसको बचाने के लिए। और देखिए ये भी करेला में भी मैं दिया था लेकिन बहुत ढेर सारे वाइट फ्लाई लगे, देखिए ये एक बहुत बेहतरीन टेक्निक है जो आप आसानी से कर सकते हैं और लो कॉस्ट में भी आप मक्खी को कंट्रोल कर सकते हैं। वाइट फ्लाई जब कंट्रोल हो जाएगा तो आपका कीड़ा भी कंट्रोल हो जाएगा जो फल को कड़ा करता है और घास के पत्थर को भी कड़ा करता है सब। इसलिए ये बेहतर होगा कि आप लोग भी इसको यूज कीजिए और ये लो कॉस्ट में आता है, सिर्फ एक ट्रैप क्या होता है वही 6-7 रुपये या 10 रुपये के अंदर आता है लेकिन आपका जब एक इतना जगह में मैं सिर्फ 15 या 20 लगाया हूँ जो कि 150-200 रुपये के अंदर भी मैं ज़्यादातर एक तो केमिकल डालने से क्या फिर से तीन पेस्टिसाइड डालने से 3 दिन के बाद फिर से मुझे डालना पड़ता था लेकिन ये अभी जो डाला हूँ ये लगा दिया हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा कम वाइट फ्लाई उड़ता है और इसके वजह से भी मेरा जो लॉस होता था थोड़ा कम हो गया है। इसलिए मिनिमम कॉस्ट में कैसे आप ज़्यादा इनकम कर पाएंगे और आपका जो खेती को कैसे कीड़ा से बचा पाएंगे, और ये थोड़ा आसान तरीका था जो मुझे अच्छा लगा था, मैं आपको लोग को बता दिया हूँ। और मैं आप लोग को भी बताने वाला हूँ कि आप कैसे जो गच मर जाता है जो फल आता है उस टाइम जो मर जाता है तो मैं आप लोग को भी थोड़ा पास जाकर दिखा दीजिए गच में कैसे फल आया है सब, गच कैसे मर जाता है। उसको जब गच को उखाड़ के देखेंगे तो उसके अंदर कीड़ा रहेगा, काला काला होकर उसके भीतर तो कीड़ा रहेगा और सब गच मर जाता है। लेकिन और एक तो गच भी मर गया है, देखिए उधर, ठीक है, तो इसका भी इलाज मैं आप लोगों को जल्दी बताऊंगा। और मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो जो गच मरता है उसको क्या क्या केमिकल मतलब क्या पेस्टिसाइड देने से आप उसको बचा पाएंगे, और लेकिन 2 बार डालना चाहिए। लेकिन ये तो बड़ा गच हो गया अभी और मुझे अभी पता चला कि वो टेक्निक के बारे में, इसीलिए लेकिन जब गच लगा के आप जो खेती में लगा के 15-20 दिन हुआ रहेगा उसी टाइम आप जब 2 बार 7 दिन के अंदर 2 बार दे देंगे तो वो गच मरता नहीं है, क्योंकि मेरा और अलग वाला फील्ड में मैं लगाया हूँ जिसका टेक्निक
यूज़ करके वो मेरा गस नहीं मरा है, इसीलिए अभी तो मैं अभी मुझे पता चला तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि वो कैसे आप इलाज कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।